आमतौर पर पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य की पटरी कम ही बैठती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो जनता के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है हरदा के SP भगवत सिंह विरदे, जिनके कार्यभार संभालने के बाद से ही हरदा जिले में काफी कुछ सुधार हुआ है। हरदा जिले के SP भगवत सिंह विरदे ने जब से हरदा जिले की कमान संभाली है, उसके बाद से ही अपराधों में काफ़ी कमी आ चुकी है। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ हमेशा रहता है, इसलिए वे कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाते हैं। यही नहीं, आम जनता के बीच भी पुलिस की काफ़ी छवि बदली है। विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पुलिस कप्तान के जो आदेश मिले हैं उनका भी पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि जनता के बीच पुलिस अधिकारियों की साख भी बढ़ती जा रही है। SP भगवत सिंह विरदे स्वभाव से काफ़ी मिलनसार है, बल्कि बेहद शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अपराधियों के प्रति वे काफ़ी सख्त है। अपराध और अपराधियों के प्रति जरा भी नरम रुख नहीं रखते, पूरी तरह जीरो टॉलरेंस के नियम पर काम करते हैं। उन्होंने आते ही अपने सभी माथहत अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि वे बीट सिस्टम पर मजबूती से काम करें, एक दूसरे से सामंजस्य बनाएं, आम जनता के बीच खुले मिले और जनता को अपना मित्र बनाएं। तभी अपराधियों के बारे में उन्हें जानकारी होगी और वे अपराधों की रोकथाम कर सकते हैं। जब दोपहर न्यूज़ के हमारे हरदा प्रतिनिधि सुनील मालाकार ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है और हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को हरदम तैयार और तत्पर रहना चाहिए। बीट सिस्टम काफ़ी महत्व रखता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ कार्य है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है प्रॉपर पुलिसिंग कर रहे हैं। पुलिस के दो कार्य होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। हम लोगों ने, हमारे सभी थाना प्रभारी ने बीट सिस्टम को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हमारे कांस्टेबल तक को हम लोग बीट में भेज रहे हैं, हमारे गांव के अंदर हमारा जो है पुलिस बंजारा है, सारे निगरानी बदमाश, गुंडे बदमाश, उनकी सबकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। जो सस्पेक्ट हैं उनकी चेकिंग हो रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है अधिक से अधिक हम प्रकरणों का निकाल करें और कानून व्यवस्था। हरदा टिमरनी छिपाबड़ TI व रहट गांव सिराली हंडिया के सभी अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें पूरा मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से कार्य करना है। यही नहीं, थाना क्षेत्र में घटित होने वाले सभी अपराधों की वे समय समय पर समीक्षा भी करते हैं। विगत लोकसभा चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में संपन्न हुए, वर्तमान में यातायात सुधार की दिशा में भी काफी कुछ काम हुए हैं।